अनुभव सिन्हा डायरेक्टेड फिल्म आर्टिकल 15 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां कई बॉलीवुड सितारे स्पॉट हुए। चलिए आपको फिल्म की स्क्रीनिंग पर लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा है, फिल्म रिलीज़ हो रही है। हर चीज़ से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना सिर्फ उसकी कमियां निकालते रहो हर चीज़ में। हर चीज़ में क्रिटिसिज्म मुझे लगता है अच्छा नहीं होता, हर चीज़ से कुछ अगर पॉजिटिव सीखें आई थिंक वो इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली जाके देखना चाहता हूँ, बट जो टॉपिक है वो डेफिनेटली ऐसा है, और अगर वो बात लोगों तक कन्वे हो, जितनी ज़्यादा कन्वे हो उतना ज़्यादा अच्छा। ये इस फिल्म को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, मुल्क से जानती हूँ इस फिल्म के बारे में। मतलब कहानी का आइडिया है मुझे, बिकॉज अनुभव सर से काफ़ी बात हुई है इस फिल्म के बारे में, तो इसलिए अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो हमने बातें करी थी वो स्क्रीन पर उतर के कैसी लगती है। मुझे लगता है अनुभव सिन्हा सर ने एक बहुत कमाल की एक डिफरेंट इनिंग्स खेली है आफ्टर मुल्क, एंड ये उनकी दूसरी फिल्म है, और हर जगह से बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रियल इश्यूज़ पर वही चीज़ कहते हैं जो कहनी चाहिए, बिना उन्हें छुपाए, बिना कुछ लेयर्स लगाए, एंड आई थिंक अनुभव सर डज दैट। और आई बीन लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला उनकी तीसरी फिल्म में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर मेनी एंड शॉक अ लॉट ऑफ देम, एंड आई थिंक इट्स समथिंग वेरी रेलेवेंट फॉर टुडे सोसाइटी, सो लुकिंग फॉरवर्ड। अनुभव की फिल्म है, अनुभव करनी चाहिए लोगों को, और ये फिल्म इतनी आसानी से अगर इस देश में बंद होने लगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या काम है इस देश में। एडिट तो बहुत हूँ, बिकॉज अंकिता की बुआ जो अंकिता के फूफा जी जो है मनोज जी, एंड अंकिता ब्रदर सीशान, वो दोनों इस फिल्म में हैं, एंड आई हैव हर्ड दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड जो मुद्दा इन्होंने उठाया है फिल्म में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, बिकॉज अब इतने सालों से भारत सो रहा है, अब जागने की ज़रूरत है यार। आई थिंक इन टॉपिकों को जब तक नहीं छेड़ा जाएगा, जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, आई डोंट थिंक देश की हालत सुधर पाएगी। वेल आर्टिकल 15 का प्रोमो, हर गाने, कॉन्सेप्ट, सब कुछ बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली जब जैसे ही ट्रेलर आता है तभी आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, तो आई थिंक ये आर्टिकल 15 का जैसे ही ट्रेलर आया तभी मन बन गया था कि हमें ये फिल्म देखनी है। बहुत एक्साइटेड हूँ आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 देखने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे अनुभव सर ने फिल्म बनाई है, एक ऐसी हकीकत हमारे समाज की, हमारे देश की, जिसे हम अक्सर झुठलाना चाहते हैं, जिससे हम अक्सर अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट कमर्शियल मेनस्ट्रीम बॉलीवुड ऐसे मुद्दों पे कहानियाँ बना रहा है। यार टचवुड, सबकी मेहनत जो है वो ऑलरेडी ट्रेलर से और कुछ तो रिव्यूज़ ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, किसी ने 4 स्टार दिए, किसी ने 5 स्टार दिए हैं। टचवुड और भैया की परफॉर्मेंस की टचवुड अगर फिर से तारीफ हो रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पिछला साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, होपिंग फॉर अनदर क्रैक ऑफ अ ईयर, एंड आई थिंक ही हैज वर्क्ड रियली 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 हार्ड। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका एक रियल रिप्रेजेंटेशन है, और हम सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, हर जगह होता है, हम लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेट दूसरे लोगों को, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो अरसों से होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहा है। तो हाँ, मतलब ये कोई अलग बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, पर ये फिल्म बहुत ही ऑनेस्ट रियल एक रिप्रेजेंटेशन है, और आप फिल्म देखिए तो समझ में आएगा, और एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है तो एंटरटेनिंग भी है, बहुत अच्छे एक्टर्स है, तो बहुत अच्छा लिखा गया था स्क्रिप्ट, सो या इट्स शॉट रियली ब्यूटीफुली, सो आई थिंक एज अ फिल्म इट्स अ रियली होलसम फिल्म। टोटल स्टार कास्ट के साथ साथ डायरेक्टर सेंसिबल पिक्चर है, तो आई थिंक समथिंग दैट आई एम बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, खास करके क्योंकि मैं अनुभव के साथ काम कर चुका हूँ, सो आई नो हाउ गुड ही इज एट हिज वर्क, एंड लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है, तो एक्साइटेड। ब्राह्मण कम्युनिटी अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, आप पिक्चर देखेंगे बल्कि उनका फिल्म का प्रोटैगनिस्ट ही ब्राह्मण है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं फिल्म के अंदर, आपको फिल्म देखनी चाहिए पहले। ऐसी फिल्में
जो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ आयुष्मान से. इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट एंड आई एम सो ग्लैड इट्स बीइंग मेड एंड इट्स नॉट हर्टिंग एनीवन. इफ एट ऑल इट विल एनलाइटन ऑल ऑफ अस. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट इट्स बीइंग मेड. ऑडियंस और मैं बहुत खुश हूँ कि इस टॉपिक पे फिल्म बन रही है. आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आयुष्मान इज डूइंग इट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. बहुत अलग फिल्म है जो आयुष्मान यू नो अपने बधाई हो में देखा है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. आई थिंक द ट्रेलर वॉज फैबुलस. Any film that takes on the caste system in our country is an important film. I'm so glad that the film's been made and I'm really looking forward to watching it. Actually, aap jab kaam karte ho film ke andar to objective rehna bahut mushkil rehta hai because obviously script padi hai fir uske andar ho aap to I think you lose objectivity. To dekhte hain abhi aaj dekh rahe hain sab. Shahrukh Khan sir aaye hain aur kaun kaun bahut sare log aaye hain. Bahut maza aa raha hai. तो देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है. बट आई थिंक द मेन थिंग इज ऑडियंस. 28 को पता चलेगा क्या हो रहा है.